अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शगुफ्ता किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी चिकन मैगी की रेसिपी। इस रेसिपी को आप बहुत ही कम समय में या फिर ये कहें कि 8 से 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब आप ये रेसिपी घर में बनाकर खिलाएंगे तो ये रेसिपी बड़ों के साथ में बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ऐसी टेस्टी चिकन मैगी की रेसिपी को अब हम बनाना शुरू करते हैं। चिकन मैगी बनाने के लिए यहाँ 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसको अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच नमक और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, या फिर ये कहें कि जब तक कि अच्छी तरह से गल नहीं जाता इसको तब तक के लिए फ्राई करेंगे। चिकन अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। चिकन को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको तोड़कर देख लेते हैं कि चिकन हमारा अच्छे से गला है या नहीं। देखिए चिकन हाथ से अच्छे से टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल गया है। 2 बड़े साइज की चॉप्ड की हुई प्याज ली है और 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है और 1 बड़े साइज की बारीक कटी हुई गाजर ली है और कुछ स्प्रिंग्स अनियंस लिए हैं। और ये हमने वही तेल लिया है जो हमारे पास चिकन फ्राई करके बच गया था। अब इस तेल में हम बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। प्याज को मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम बाकी का सामान ऐड कर देंगे और अब इसमें बारीक चॉप्ड किया हुआ टमाटर डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक चॉप्ड की हुई गाजर डाल देंगे और कुछ स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और सभी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच इसमें चाट मसाला पाउडर डालेंगे। चाट मसाला पाउडर डालने से मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आधा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें हम आधा कटोरी पानी डालकर इन सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इन सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ऑयल इनमें से रिलीज होने लगा है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरह से डालकर इसमें भून लेंगे। मसाले और चिकन बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसी स्टेज पे हम 2 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे और मसालों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और यहाँ हमने ये 3 पैकेट मैगी के लिए इसमें से मैगी मसाला निकाल लेते हैं। और यहाँ मैगी से हमने तीनों मैगी मसालों को निकाल लिया है और इन सभी मैगी मसालों को हम पानी में ऐड कर देंगे। और इन सभी मसालों को चलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसको ढककर बॉयल आने तक पकने देंगे। और पानी हमारा अच्छी तरह से बॉयल होने लगा है, अब हम इसको खोल लेते हैं और अच्छी तरह से एक बार फिर से चला देंगे। अब इसमें हम मैगी डाल देंगे और मैगी को भी अच्छी तरीके से चलाकर इसमें मिक्स कर लेंगे।
मैगी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अब हम मैगी को 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैगी को बनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम खोल कर देख लेंगे और मैगी में एक बार फिर से अच्छी तरह से चला लेंगे। देखिए मैगी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में तो इससे ज़्यादा यम्मी लगेगी। अब मैगी में हम इसी तरह से 2-3 बार फिर से चला देंगे और गैस के फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। देखिए मैगी से ऑयल रिलीज होने लग गया है, तो हमारी मैगी बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और हमारी चिकन मैगी सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे और हमारी गर्मा गर्म टेस्टी यम्मी चिकन मैगी बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप इस रेसिपी को बनाकर अपने फैमिली फ्रेंड्स और बच्चों के साथ में शेयर कीजिए। ये रेसिपी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये बहुत ही ईजिली बन भी जाती है और बहुत ही कम समय में। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी चिकन मैगी कितनी टेस्टी बनी है। आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।